थोड़ा सा मेहनत इसमें आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये एक अच्छी क्वालिटी में बनेगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, सो इसको मिक्सिंग करते रहना है आपको। ऐसा लग रहा है कि आज मैं रोटी बनाने के लिए बैठा हूं, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी काम को अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में बनानी है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, तभी वो चीजें अच्छी तरीके से बन पाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा पूरा पसीना छूट गया इसको इस तरीके से करने में, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये है भाई आपकी मसाला अगरबत्ती, जो कि अच्छी क्वालिटी में अभी बनने जा रही है। सो ये प्रीमिक्स हमारा रेडी हो गया। अब इसे जो है आपको करना होगा हैंड रोल। और जो है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि मसाला अगरबत्ती के फॉर्मुलेशन किस तरीके से होने चाहिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और पाउडर्स की हमें जरूरत होती है एक अच्छी क्वालिटी की मसाला अगरबत्ती, फ्लोरा अगरबत्ती बनाने के लिए, तो सारी चीजें मैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, मतलब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो पहले आप चेक कीजिए, देखिए, तभी ये आज का जो प्रोसेस है ये समझ में आपको आएगा। अगर वीडियो आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो ये आज का प्रोसेस आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वो था एक इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल मैं उस वीडियो में दिया हुआ हूँ, और आज की इस वीडियो में हमारा जो है कंप्लीट प्रोसेस, पैट्रिकल प्रोसेस जो है होने वाला है। और जो है ये प्रोसेस मैं तीन स्टेप में बताने वाला हूँ, जैसा कि तीन स्टेप में मैंने वो फॉर्मुलेशन भी बताया हुआ था, तो उसी तरीके से आज इसे भी हम जानेंगे और बनाएंगे एक अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का रेड सैंडलवुड अगरबत्ती। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या क्या पाउडर्स की जरूरत होगी, जिसमें एक पाउडर का मिक्सिंग होगा और उसमें कलर के साथ परफ्यूम का जो है मिक्सिंग करेंगे। जैसा कि ये सामने आप देख पा रहे होंगे, तो ये है हमारा जो कोटिंग पाउडर्स होते हैं, मतलब जो अगरबत्ती हमारी बनेगी तो उसमें हमें एक कोटिंग करना होता है। जैसा कि ये स्टिक्स में आप देख पा रहे होंगे, तो ये रेड कलर की इसमें कोटिंग चढ़ी हुई है, तो वो पहला स्टेप हमारा वही होगा कि उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। सो जैसा कि ये सामने आप देख पा रहे होंगे, तो ये है हमारे पास एक पाउडर, और इस पाउडर में हमने एक कलर जो है चढ़ाई हुई है, मतलब कलर इसमें ऐड किया हुआ है, वो कलर आपको ऐड करना है। कलर कौन सा रहेगा, पिगमेंट जो कलर होती हैं उसमें अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, आप जो भी कलर लेना चाहे वो ले सकते हैं। फिर अभी मैंने ऑरेंज कलर इसमें लिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा सैंडलवुड की अगरबत्तियां हैं, रेड सैंडलवुड की अगरबत्ती हम बनाएंगे अभी, सो उसके बेस में ऑरेंज कलर जो है बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से वो मैच करता है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, 500 ग्राम आपको पाउडर लेना है, जैसा कि मैंने फॉर्मुलेशन में आगे बताया हुआ था, और उसके बाद जो है हमें इसे 15 ग्राम जो है परफ्यूम ऐड करना है, और उसके बाद हमें डालना होगा कलर। कलर आप दे सकते हो इसमें 20 ग्राम एवरेज, 20 ग्राम के कलर में ये 20 ग्राम में ये सफिशियंट इसका जो है लाइट कलर में आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा अभी परफ्यूम मिक्सिंग किया हुआ है, और टाइम की कमी को देखते हुए मैंने ये सारी चीजें पहले से जो है कर ली हुई थी। सो इसका काम अभी नहीं है, इसका काम हम लास्ट में करेंगे, फिलहाल इसे हम रखते हैं साइड में। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो इसे आप ध्यान में रखिए और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, तो सेकंड स्टेप में हम पाउडर का मिक्सिंग करेंगे, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके के पाउडर का रेशियो होगा, उस रेशियो को हम एक साथ जो है मिक्स करेंगे, और वो चीजें क्या क्या लगने वाली है वो सबसे पहले हम समझते हैं। सो ये हमारे पास सबसे पहले चारकोल की हमें जरूरत होगी, क्योंकि मसाला में जो अगरबत्तियां होती है वो चारकोल से रिलेटेड होती है, मतलब चारकोल से मिलकर ही बनती है। सो आपको लेना है चारकोल का पाउडर, और ये था हमारे फॉर्मुलेशन में 500 ग्राम, और ये फॉर्मुलेशन मतलब जो पिछला वाला हमारा फर्स्ट पार्ट था, सो उसमें जो जो रेशियो थे मैं उसी रेशियो में आज बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा चारकोल 500 ग्राम, और ये सारी चीजें मैं वेट करके रख चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं ये एक एक चीजों को वेट करते जाऊंगा तो समय काफी लंबा हो जाएगा, मतलब ज्यादा समय लग जाएगा, और आपको थोड़ी सी समझने में तकलीफ भी हो जाएगी। सो ये है 500 ग्राम हमें लेना है चारकोल। अब जो है हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, तो सेकंड स्टेप में हमें कौन कौन सा पाउडर कितने कितने रेशियो में लेना होगा उसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं। सो ये है हमारा बर्तन, जिसमें हम सारे पाउडर्स को बराबर और जिसमें हम सारे पाउडर्स को एक साथ जो है मिक्स करेंगे।
तो सबसे पहले हमारा होगा चारकोल। चारकोल हमें लेना होगा इसमें 500 ग्राम, और ये सारी चीजें जो है मैंने वेट करके रख लिया है ताकि समय बच सके और जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हम कर पाए। तो चारकोल लेना है आपको 500 ग्राम, तो ये हम इसे डाल देते हैं अभी। उसके बाद जो है हमें दूसरा पाउडर लेना होगा, हलमटी पाउडर। जैसा कि पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं और इसके बारे में दो तीन वीडियोस में बना चुका हूं कि हलमटी पाउडर क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। दरअसल हलमटी जो पाउडर होता है वो हमारी मसाला अगरबत्तियों में यूज होती है और इसका एक खास काम है मसाला अगरबत्ती बनाने के लिए। और इसके बारे में आप जानते होंगे, जैसे मार्केट्स में जो मसाला अगरबत्ती बिकती है तो वो हलमटी के नाम से बिकती है कि ये हलमटी बेस जो है मसाला अगरबत्ती है। उसमें काफी सारी वैरायटीज होती हैं अलग अलग, हालांकि जो बेस होता है वो हलमटी होता है। सो कुछ एग्जांपल दो तो चंदन हो गया हमारा, फ्लोरा अगरबत्ती हो गई, सो उसमें सुगंध, जय अंबे माँ, तो इन सारी अलग अलग कैटेगरी में, और रेड सैंडलवुड अगरबत्ती, मसाला अगरबत्ती, तो वही अगरबत्ती जो है आज हम इस वीडियो में बनाएंगे और ये कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। तो हलमटी पाउडर हमारा था 200 ग्राम, उसके बाद हमें तीसरा पाउडर ऐड करना है, जिगट पाउडर। जिगट जैसा कि आप जानते होंगे, जिगट का एक खास महत्व है अगरबत्ती बनाने के लिए, मसाला अगरबत्ती बनाने के लिए। कई लोग ये कह रहे थे कि उसमें जोश पाउडर डाल सकते हैं या फिर ग्वार गम डाल सकते हैं या फिर और कोई पाउडर डाल सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लेना है एक अच्छी क्वालिटी का जिगट पाउडर। जिगट पाउडर का बेसिक रूल ये है कि ये आपकी अगरबत्तियों में एक खास खुशबुओं को तो ये मेंटेन करके रखती है, और इसमें एक गीलापन का प्रोसेस होता है। मतलब जो मसाला अगरबत्ती आप देखे होंगे तो उसमें थोड़ी सी नमीपन होती है, तो वो नमीपन जो है हलमटी पाउडर ही बना के रखती है। अगर आप इसे जोश पाउडर या फिर ग्वार गम से मिला के बनाएंगे तो अगरबत्ती आपकी पूरी तरीके से सूख जाएगी, फिर उसके बाद मसाला अगरबत्ती का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। मतलब उसे मसाला अगरबत्ती हम मान ही नहीं सकते। सो उसके लिए हमें लेना होगा जिगट पाउडर। जिगट पाउडर का रेशियो था 200 ग्राम, तो इसे हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम। उसके बाद जो है हमको लेना होगा राल पाउडर। राल पाउडर जैसा कि आप जानते होंगे तो काफी जगह ये लोभान बनाने में सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है, और इसका एक काफी अच्छा यूनिक फ्रेग्रेंस होता है। मतलब ये मसाला अगरबत्ती में डालने का एक कारण है, इसका जो बेसिक नोट होगा वो ये मेंटेन करके रखेगा और परफ्यूम के साथ साथ एक अच्छी खुशबू ये लेके आएगा। इसके बाद हमें एक और पाउडर जो है ऐड करनी है। चाहो तो आप इसे ऐड कर सकते हो, अगर क्वालिटीज में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो ये पाउडर आप ऐड कर सकते हो, वो है हमारा हीना पाउडर। जैसा कि ये हीना पाउडर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें एक अच्छी खुशबू होती है जो कि एक अगरबत्तियों में, मसाला अगरबत्तियों में एक मिठास पैदा करेगी, और मिठास पैदा होने के साथ साथ एक अच्छी खुशबू को ये मेंटेन करके रखेगी। तो हीना पाउडर आप डाल सकते हो, 100 ग्राम आपको डालना है। अगर हीना पाउडर आपके पास नहीं है सो उसके जगह पे आप कुपम पाउडर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा हीना पाउडर, क्योंकि हीना पाउडर का जो फ्रेग्रेंस है, मतलब जो इसकी खुशबू है वो काफी अच्छी है। सो हीना पाउडर हम ऐड कर लेते हैं। इसमें आप जितना आपका इच्छा हो डाल सकते हो, 50 ग्राम 100 ग्राम के बीच में आप इसे यूज कर सकते हो। तो इतना पाउडर हमारे लिए काफी रहेगा। सो इस तरीके से जो है हमने सारे पाउडर्स जो है डाल लिए हैं, अब इसे हमें जो है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो आगे का स्टेप होगा, तीसरा स्टेप, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है पाउडर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सो ये हमारा जो है सेकंड स्टेप हमारा रेडी हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने पाउडर, जो कलर पाउडर है वो ऐड कर लिया था, और सेकंड स्टेप में हमारी जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो रेशियो था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है, तीसरा स्टेप जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमें बनाना होता है एक पेस्ट। और वो पेस्ट किस तरीके से बनेगा वो जो है मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और उसमें भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आपको प्रॉपर सही मात्रा में डालने होंगे। सो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, वो जो है आगे वीडियो में देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था फ्लोरा मसाला अगरबत्ती बनाने के फॉर्मुलेशन को लेकर, तो उसमें काफी सारे लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इसका पेस्ट जो है हम कैसे रेडी करेंगे।
और काफ़ी सारे ने कमेंट ये भी किया था कि इसे बनाने का प्रोसेस किस तरीके से होगा, वे किस तरीके से बनाना होगा। सो उसमें मैंने काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो अलग अलग बताई हुई थी, जैसे कि हमारा गुड़ है, घी है, हलमटी पाउडर है, और ये डीपी ऑयल है, हलमटी पेस्ट है दरअसल ये, और ये डीपी ऑयल है, और उसके बाद हमारा एक परफ्यूम होता है जिसे हम बाद में ऐड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सिंग हमें किस तरीके से करना है वो इस वीडियो में आप देखते रहिए। तो जैसे कि ये गुड़ ले लिया है, तो जैसे कि ये गुड़ हमने ले लिया है, लगभग लगभग 200 ग्राम के आसपास आपको गुड़ ले लेना है। मैंने फॉर्मूलेशन जो बताया था उसमें गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी कम बताई थी, 100 ग्राम के आसपास, लेकिन 100 ग्राम सफिशियंट नहीं है, उसके लिए आपको 200 से लेके 300 ग्राम के बीच में गुड़ आपको लेना है। घी हमें लेना होगा, जैसा कि ये सामने देख रहे हो, ये घी है हमारा, तो ये हमें लेना है 30 ग्राम। हलमटी पेस्ट है हमारा, थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ मैं, ये जो है हलमटी पेस्ट है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमें लेना होगा लगभग लगभग 100 ग्राम एवरेज। और ये फॉर्मूलेशन जो है, जो पिछला रेशियो था मेरा, पिछला रेशियो हम बताए थे लगभग लगभग 1100 ग्राम के आसपास वो रेशियो बना था हमारा सारे पाउडर्स को मिला के, तो उसी रेशियो पे बनाएंगे। और ये हमारा डीपी ऑयल है, और डीप ऑयल हमें लेना था 100 ग्राम। उसके बाद हमें परफ्यूम लेना है 50 ग्राम, परफ्यूम हम बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले सारी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आप चूल्हे की मदद से आप चढ़ा लो, चूल्हे के पास ही ये सारा काम अभी करने वाला हूँ, तो सारा सामान मैं यहीं रख लिया हूँ, और पहले से जो है चीज़ें को मैं वेट करके रख लिया हूँ। घी आप कोई भी तरीके का यूज़ कर सकते हो, देसी हो या फिर दुकान का हो, जहाँ से भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है हमारा डीपी ऑयल, ये भी हमारा 100 ग्राम था लगभग लगभग, 100 ग्राम इतना हो गया हमारा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जिसको डालना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है हमारा हलमटी पेस्ट। तो ये है पेस्ट हमारा, और ये इसको हम डाल देते हैं हल्का, थोड़ा 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 बस। तो ये हमने 100 ग्राम जो है हलमटी का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हमें जो चूल्हा होगा हमारा, चाहे चूल्हे की मदद से आप करो ये चीज़ें, चाहे गैस में करो, अब इसे आपको चालू कर देना है। चालू कर दो। अब इसको क्या है, इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्सिंग करने के लिए थोड़ा हीटिंग टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप थोड़ा सा जला लीजिए, और थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा आपको बॉयल नहीं करना है, जैसे बॉयल हो जाता है। सो खाली ऑयल गरम होके इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर ले, बस इतना ही है इसमें। उसके बाद आपको ठंडा करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है परफ्यूम जो है वो मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आपको उन सारे पाउडर्स में इसके ऐड करना है। तो इसे हम गरम करके छोड़ते हैं, फिर जो हमारा पाउडर का मिक्सिंग है वो उसे हम करेंगे। ये जो है हमारा एक पेस्ट जो है रेडी हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने, इसमें देखो कितने अच्छे से लचीलापन जो है, और थोड़ा सा हमारा ऑयल का कंटेंट जो है अभी बाकी रह गया है। सो आप उसे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम तक बॉईल करोगे तो धीरे धीरे आपका जो ऑयल उसमें रहेगा वो वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज हो जाने के बाद आपको ये पूरा पेस्ट की तरह नज़र आएगा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट भी इसमें आपको दिख रहा होगा। सो आप अच्छे तरीके से इसे बॉईल करेंगे, सो ऑयल का कंटेंट जो है वो सूख जाएगा, और जो है ये आपका पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जो है हमारा परफ्यूम ऐड करना बाकी है, खाली परफ्यूम हमें इसमें अभी डालना है। अभी थोड़ा सा ये गर्म है तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, जैसे कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग फ्लेवर्स में वो अगरबत्तियाँ रेडी करते हैं, सो अलग अलग फ्लेवर्स में बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, अलग अलग तरह की जो कंपाउंड्स होते हैं, जो परफ्यूम्स होते हैं, वो हमें ऐड करने होते हैं। सभी जो है अलग अलग फ्लेवर्स में अगरबत्तियाँ बन पाती हैं। तो अभी हम जो है रेड सैंडलवुड अगरबत्तियाँ बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम जो है रेड सैंडलवुड का कंपाउंड जो है डालेंगे, परफ्यूम यूज़ करेंगे, और जो है उसकी फ्रेग्रेंस जो है रेड सैंडलवुड के ऊपर बन जाएगी, मतलब हमारे पाउडर्स में ये सारी चीज़ें रेड सैंडलवुड का परफ्यूम हम ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो है रेड सैंडलवुड अगरबत्तियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये हमारा जो है पेस्ट अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है।
अब इसमें जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो हम इसे परफ्यूम जो है ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने फॉर्मुलेशन में बताया हुआ था कि इसमें हम 50 ग्राम एवरेज परफ्यूम डाल सकते हैं, 40 से 50 ग्राम के बीच में। चाहो तो अगर आपको और लास्टिंग फ्रेग्रेंस चाहिए तो क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, वो आपके बजट के ऊपर होगा, क्योंकि परफ्यूम जो आइटम होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। सो जितना आप क्वांटिटीज बढ़ाओगे तो क्वालिटी के साथ साथ उनका जो प्राइस रेंज भी बढ़ते जाएगा। सो 50 ग्राम एवरेज हम डालते हैं, जो कि सफिशियंट है एक अच्छी क्वालिटी का अगरबत्ती बनाने के लिए। तो ये है हमारे पास परफ्यूम। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमने 50 ग्राम जो है इसमें ऐड कर चुके हैं, इसकी फ्रेग्रेंस अभी यानी चालू हो गई है। अब जो है वेट मशीन को हम रखते हैं साइड पे, पाउडर्स और इसमें जो है हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल को डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से आपका जो है पेस्ट जो है रेडी होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सो देखो कितना लचीलापन है इसमें। सो इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा भी इसको मिक्सिंग करने का प्रोसेस कर लिया है, और मिक्सिंग करने पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितने अच्छे से मिक्सिंग हो जा रहा है। मतलब ये आपको आटे के फॉर्म में बनाना है, मतलब आटे जैसा हमारा लचीलापन होता है, एक गुत्था उनका रेडी होता है। सो उसी तरीके से आपको ये हलमटी का जो हमारी हैंडमेड प्रीमिक्स है उसको आपको बनानी है, तभी जाके ये आप अच्छे से इसको हैंड रोल कर पाओगे बैम्बू स्टिक में। और जितना अच्छा आपका इंग्रेडिएंट रहेगा, पाउडर की क्वालिटी रहेगा, उतना अच्छा ये जो है आपका प्रीमिक्स रेडी होगा। प्रीमिक्स जो कि हमने सारे पाउडर्स मिला के एक रेशियो तैयार किया है, तो अब हमारा ये प्रीमिक्स रेडी हो गया। सो इसे अब आपको बनाना है आटा के फॉर्म में, और जो है तभी आपका एक हैंड रोल अच्छे से हो पाएगा। सो कुछ प्रोसेस मैं करना चालू कर दिया हूँ। थोड़ा सा मेहनत इसमें आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये एक अच्छी क्वालिटी में बनेगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। सो इसको मिक्सिंग करते रहना है आपको, और ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हो। सो थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर लेता हूँ। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी क्या है, थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि आज मैं रोटी बनाने के लिए बैठा हूँ। कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी काम को अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में बनानी है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें अच्छी तरीके से बन पाएगी। तो एक छोटा सा दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये देखिए आप कितनी लचीलापन, अभी प्रीमिक्स जो है रेडी हुआ है, खींचने से भी नहीं खींच पा रही है, मतलब आपस में अलग नहीं हो पा रही है, इतना लचीलापन। अभी इसमें और हम मिक्सिंग करेंगे, सो और ये अच्छे तरीके से बनेगा। मेरा पूरा पसीना छूट गया इसको इस तरीके से करने में, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये है भाई आपकी मसाला अगरबत्ती, जो कि अच्छी क्वालिटी में अभी बनने जा रही है। सो ये प्रीमिक्स हमारा रेडी हो गया। अब इसे जो है आपको करना होगा हैंड रोल, और जो काफ़ी सारे लोग मशीन मेड में कैसे बनाएंगे ये पूछ रहे थे कि मशीन में बनाने का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। सो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले आप एक चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख ले, जान ले, उसके बाद जो है आप दूसरे चीज़ों पे जाएंगे, नहीं तो आपका ये ना हो पाएगा ना ही वो हो पाएगा, तो उसमें आपका समय खराब होगा, उसके साथ साथ आपका पैसा भी खराब होगा। तो पहले हैंडमेड कैसे बनना है वो आप सीख ले, उसके बाद आपको खुद बही ये आइडिया आ जाएगा कि हमें मशीन में इसे किस तरीके से बनाना है। सो इसे हम रखते हैं साइड में, और इसके लिए आप एक चीज़ और करना है आपको, ये जो आपका आटा जो रेडी हुआ है इसको आपको थोड़े से किसी गीले कपड़े में ढक के रख लेना है, ताकि ये सूख ना जाए,
क्योंकि आपका पहला प्रोसेस होगा, नया नया काम होगा, तो आप इसको बहुत जल्दी हैंडमेड नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। स्टिक कभी मोटी बनेगी, कभी पतली बनेगी, कभी और कुछ बनेगी। सो आपको क्या करना है, ये वेस्टेज ना हो जाए इसके लिए आपको कपड़े में इसे ढक के रखना है, और जब चाहे आप इसे बना सकते हो। सो अभी काफी टाइम तो हो ही चुका है वीडियो पे, लेकिन कुछ चीजें, कुछ स्टिक्स हम बना के देखेंगे। और काफी सारे लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि पेस्ट कैसे बनाएंगे, प्रीमिक्स पाउडर कैसे मिक्स करेंगे। सो वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकली, और इसके बाद कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर होगी डाउट, आपको लगेगी, कोई प्रॉब्लम्स आएगी, सो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप मैसेज कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हो। मैं अभी इसे बनाते बनाते अभी थक चुका हूँ। वैसे तो अभी इसके ऊपर मैं काफी सारे काम कर ही रहा हूँ अलग अलग फ्रेग्रेंस के थ्रू, लेकिन आज आपके लिए मैंने ये बनाया रेड सैंडलवुड मसाला अगरबत्ती। सो इस तरीके से आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। टुकड़ा लेने के बाद आपको इसे बीच से आपको लगाना है, और पाउडर में हल्का सा इसको रोल करने के बाद आपको इसे हैंडमेड की तरह रोल कर लेनी है। थोड़ी सी जगह इसमें छोटी पड़ जा रही है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा पीछे का हिस्सा जो है वो कट कर लेनी है, और जो है इस तरीके से जो है आपकी मसाला अगरबत्ती रेडी हो जाएगी। और चाहो तो अब इसमें एक बार और कोडिंग कर सकते हो ताकि ये और अच्छे से दिखे। और सो इस तरीके से जो है आपकी मसाला अगरबत्ती, रेड सैंडलवुड मसाला अगरबत्ती रेडी हो जाएगी। और फिर इसे आप आसानी से अपने बिजनेस के लिए या फिर और किसी चीजों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की अगरबत्तियां आप बना सकेंगे, और इसे मार्केट में आप सप्लाई कर सकेंगे। और जो है कुछ स्टिक हम बना के देखते हैं। जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाएंगे, ये इसके बारे में आपको एक्सपीरियंस नॉलेज होते जाएगा, फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको जैसे लंबाई ज्यादा हो जाए तो सामने का हिस्सा आप थोड़ा सा काट दीजिए, और जो आपको साइजेस चाहिए तो पीछे का हिस्सा आप काट दीजिए। सो फिर ये आपके प्रॉपर साइज में आ जाएंगे, और ये जो है इस तरीके से बनेंगे आपके मसाला अगरबत्ती। और ज्यादा क्वांटिटीज में बना के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइमिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और मेरा भी पसीना जो है छूटने लगा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा, और आपके लिए मैंने ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करके मैंने दिखा चुका हूँ। और जो है काफी सारे लोगों के जो डाउटेड्स थे, मतलब जो डाउट थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। किसी को प्रीमिक्स पाउडर के ऊपर डाउट था, तो किसी को पेस्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर डाउट था, तो किसी को जो है रोल कैसे करना है उसके ऊपर डाउट था। तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। सो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।